BJP MP Pravin Khandelwal stated, "I have said this time and again, the Congress party is notable to understand that the people of the country have completely rejected them and the country is moving ahead very fast under the leadership of Prime Minister Modi." He advised Rao to recognize that his party has already lost in Haryana, asserting that any attempts to avoid embarrassment now will be futile. Khandelwal acknowledged the Election Commission's clear functioning, adding that if any complaints have been made, they will be addressed within the commissioner's limit. He characterized the situation as one of the frustration for the Congress party. उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, ऐसे ना हो कि मानव पर मशीन भारी पड़ जाए। देखिए, बार बार इस बात को कहा है, कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ ही नहीं रही है कि देश की जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। समय रहते हुड्डा जी को अब समझ जाना चाहिए कि हरियाणा में उनकी पार्टी की हार हो चुकी है और इस नाते से अब वो अपनी झेप मिटाने के लिए वो कहीं भी जाएं तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चुनाव आयोग ने बहुत निष्पक्ष तरीके से काम किया है, फिर भी अगर उन्होंने कोई शिकायत की है तो चुनाव आयोग उसके दायरे में काम करेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे वाली बात है। देखिए, सवाल ये उठता है कि हर साल ये पोल्यूशन का मामला क्यों आता है? 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, 10 साल में केजरीवाल बताएं कि 10 साल में उनकी सरकार ने पोल्यूशन को दिल्ली से हटाने के लिए कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे दिल्ली पोल्यूशन से मुक्त हो। हर साल जब भी सर्दियां आती हैं तो इसी प्रकार से ये तात्कालिक उपाय किए जाते हैं, इनका भी कोई असर नहीं है। तो पॉल्यूशन के मूल कारण क्या हैं और उन कारणों के स्थायी समाधान का कोई रास्ता अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार ने पिछले 10 सालों में नहीं निकाला है। यही हालत है कि आज न केवल प्रदूषण बल्कि सफाई और अन्य व्यवस्थाओं से दिल्ली बदहाल हो गई है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को इस प्रकार से अब बिना अर्थ की बात नहीं कहना चाहिए। कुछ समय बचा है, उसमें वो चाहे तो कुछ दिल्ली के लिए अच्छा काम करने की योजना बना सकते हैं। सर, एमपीए गठबंधन ने देखा जा रहा था मुंबई में, महाराष्ट्र में खासतौर पर विपक्षी दलों में एकता की कमी देखी जा रही थी, देखिए बार बार कहा